ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं वाले बयान मामले में श्वेता तिवारी ने मांगी माफी। बताया विवादित बयान के पीछे का पूरा सच। बोली, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कहा जाता है कि अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। कुछ ऐसा ही आधे अधूरे सच का नुकसान मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को भी भुगतना पड़ रहा है। बीते दिनों श्वेता तिवारी अपने एक विवादित बयान की वजह से बुरी तरह से कंट्रोवर्सी में घिर गईं। अपनी एक वेब सीरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्वेता ने मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं वाला बयान दिया था। मामले ने तब तूल पकड़ा जब श्वेता तिवारी के उस विवादित बयान वाले 8 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर बुरी तरह से वायरल हो गया। जाहिर सी बात है, श्वेता के मुंह से बात भी ऐसी निकली थी जो किसी के भी गले से नीचे ना उतरे। श्वेता का ये वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया। एक्ट्रेस के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस तक दर्ज हो गया। बवाल बढ़ता देख श्वेता तिवारी को भी सामने आना पड़ा। श्वेता ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर माफी मांगी है। इसके साथ ही अपनी बयान के पीछे का पूरा सच भी बताया है। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में श्वेता ने साफ साफ कहा है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दरअसल बात वो थी ही नहीं जिस तरह से उस वायरल वीडियो में पेश की गई है। श्वेता ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ किया है कि ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं वाली बात उन्होंने असल में अपने को एक्टर सौरभ राज जैन के लिए कही थी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि श्वेता ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा है। अपना पक्ष रखते हुए श्वेता ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि यह मेरे संज्ञान में आया है कि मेरे एक सहयोगी की पिछली भूमिका के बारे में दिए गए एक बयान को गलत समझा गया है। जब इसे संदर्भ में रखा जाएगा तो कोई भी समझ जाएगा कि भगवान के संदर्भ में बयान सौरभ राज जैन की एक देवता की लोकप्रिय भूमिका के संदर्भ में था। लोग किरदारों के नामों को अभिनेताओं से जोड़ते हैं और इसलिए मैंने मीडिया के साथ अपनी बातचीत के दौरान इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि इसे पूरी तरह से गलत समझा गया है जो देखकर दुख होता है। इसके साथ ही श्वेता ने कहा कि वो खुद भगवान में कट्टर विश्वास रखती हैं। ऐसे में वो जानबूझकर या अनजाने में कोई ऐसी बात नहीं करेंगी जिनसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिर भी उनके इस बयान की वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं जिसके लिए वो सभी से माफी मांगती हैं। बता दें कि सौरभ राज जैन पॉपुलर टीवी अभिनेता हैं। उन्होंने कई माइथोलॉजिकल शोज में महादेव और भगवान कृष्ण के रोल प्ले किए हैं, जबकि अपनी अपकमिंग वेब सीरीज शोबीज में वो एक ब्रा फिटर के रोल में दिखेंगे। श्वेता ने मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं वाली बात भी सौरभ राज जैन के लिए ही कही थी। सोशल मीडिया पर श्वेता का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सौरभ के ब्रा फिटर वाले रोल के बारे में बोल रही हैं। भगवान का रूप तो कितनी बार अपना चुका है। एंड आई पर्सनली थिंक जैसे भगवान से सीधा प्रॉफिट हो। या मतलब चमक। अल्लाह जस्ट वांट टू से दैट सॉरी हाउ डज इट फील यार दैट वाज सॉलिड। बहरहाल श्वेता का ये माफीनामा तब सामने आया है जब मामला पहले से ही तूल पकड़ चुका है। उनके बयान की हर जगह आलोचना हो रही है, यहाँ तक कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब देखना ये होगा कि श्वेता की सफाई के बाद ये विवाद थमता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।